भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक से विजय संकल्प रैली निकालकर आम लोगों में भरा जोश। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत शनिवार को शहर के शेखपुरा मोहल्ला स्थित रामलीला मैदान से श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में सबसे आगे श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार आगे चल रहे थे। भाजपा और भाजयुमो के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बाइक में पार्टी का झंडा लगाए हुए थे। रामलीला मैदान से निकली जो कॉलेज रोड, राजबाड़ी रोड, स्टेशन रोड, 52 बीघा, पटवाबाद, खलासी मोहल्ला, डालमिया को पाट्रोल, गजंडा, जमुनी, चरपा, जामा, भेरवा रोड, हटिया रोड, गांधी चौक, पंच मंदिर रोड, भगत सिंह चौक होते हुए पुनः रामलीला मैदान पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, रघुवर दास जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद के नारे से शहरी एवं ग्रामीण इलाका गुंजायमान होता रहा। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने को लेकर जनता आतुर है। झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। विपक्ष भले ही महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी को ही देश का नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार है। देश की एकता व अखंडता को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अक्षुण रख सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रहार से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गई है, वह अंतिम सांसें गिन रही है। उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन के वतन वापसी को देश की जीत बताया। कहा कि ऐसे जाबाज वीर सपूत को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों एवं मंडल से आए कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी का रीढ़ होता है। मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष अवनी भूषण, प्रखंड अध्यक्ष दीनदयाल शाही, भाजपा जिला मंत्री सचिन रवानी, प्रखंड ब्रिज सूत्री अध्यक्ष अवध प्रसाद भैया, विस्तारक नीरज कुमार, सचिन राय, नकुल रवानी समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बने प्रीमियम लॉन्च के सामने लगे टाइल्स की चिकनाहट की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी।